ये मेरे ना मैचिंग देख के पहन के ही है ना। चप्पलों की दुकान तो हटा दो यहाँ से। टाइगर भैया का सर दिख गया। बोलू मेरे जूते पहन के। हाँ मुझे पता है मैं कैसे यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। घर चलते हैं। पहले आका डंडा। मेरा सुंदर बाबू लड्डू पटवाऊंगी। घूम का होता है छोरा हरियाणा का, छोरा हरियाणा का भाई देख मेरा टोरा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भैया सुबह के बजे 10:30, मैं और पायल निकल रहे कहाँ पे? बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हो, पहले तो तारीफ सुन लो अपनी। हाँ। ये ज़ेब्रा चेक आपके पूरा अच्छा लग रहा है। मैं कैसी लग रही हूँ? ये मेरे ना मैचिंग देख के पहन के ही है ना। गाइस क्या होना कि प्लान तो कल से ही था कि हमें 11 बजे निकलना है, पर क्या होना मैं ना सोती रह गई और ये रेडी होके एकदम से आ गए। कह रहे बेटा जाना नहीं है, तो मैं 2 मिनट में रेडी हो गई। मुझे जो मिला ना ऊपर मैं वही पहन के आ गई, ऐसे कोई मैंने मैचिंग नहीं किया है। तो आप एक काम करना, जो वीडियो हमने शूट की है जाके देखो, बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। अरे यार चप्पलों की दुकान तो हटा दो यहाँ से, कोई नहीं खरीदने आ रहा है यहाँ पे, कोई खरीदता नहीं है हमारे यहाँ पे। इतनी चप्पलें, इतनी सारी चप्पलें हैं ना, पूछो मत। एक एक आदमी 10-10 जोड़े निकाले थे, 4-5 जोड़े तो चीकू गए। 1, 2, 3, 4 चीकू गए। मैंने बता दिया कि नहीं जरूरत नहीं। चल तो बहुत ही पुराना डायलॉग है कि कहीं भी जाना हो जाम मिलता है, और कहीं नहीं जाना हो तो रोड खाली मिलता है। इस टाइम बहुत सारा जाम है। आप खा के आइए। हाँ जी बिल्कुल खा के आई हूँ। मैंने खाए ओट्स और सुबह सुबह मेरे का दिल था ठंडा ठंडा कुछ पीने का, तो लस्सी पी के आई। तो गाइस बहुत ही जबरदस्त गेम शूट करने वाले हैं हम लोग। जिसने अभी तक नहीं देखा है ना, वो फैमिली फिटनेस पे जाके एक बार जरूर देखना। और कुछ जो शॉट है ना वो मैंने इस व्लॉग में भी डाले हैं, वो आगे आगे आपको दिखते रहेंगे। जिंगलाला देख नहीं रहे। तो गाइस अभी अभी मैं पहुंच गई हूँ लोकेशन पे। तो लोकेशन है एक स्विमिंग पूल, और स्विमिंग पूल में सोच सकते हो आप क्या क्या हो सकता है। तो अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है। तो अभी जिनको हमने बुलाया है ना खेलने के लिए, उनको कुछ भी नहीं पता है कि हम क्या खेलने वाले हैं, कैसे खेलने वाले हैं, क्यों खेलने वाले हैं। और देखो विजेता को यहाँ पे प्राइज भी दिया जाएगा। तो जो प्राइज है वो ऑलरेडी पैक्ड हो चुका है और आ रहा है, वो भी ऑन द वे है। सारे कंटेस्टेंट्स भी आ चुके हैं, सारे रेडी हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे ड्रेसेस में तो हम पूल में नहीं जा सकते हैं। पूल के लिए एक सेपरेट ड्रेस होती है, तो सब अपना चेंज करने गए हैं। तो गाइस पानी देख के ना पानी के अंदर डुबकी लगाने का बहुत मन कर रहा है, पर डुबकी नहीं लगा सकती हूँ बिकॉज ऑफ अभी टांगे खुले नहीं है, स्टिचेस लगे हुए हैं। और इतना ज्यादा मन कर रहा है ना, एक तो गर्मी है, गर्मी में स्विमिंग पूल तो सबको ही पसंद आता है। और अभी ना टाइम 12:05 हो रहे हैं, अगर यही टाइम हो रहा होता ना 1:30 बजे तो चीकू को साथ लेके आते हैं, और चीकू इतना एंजॉय करता ना पानी के अंदर मैं बता नहीं सकती। लेकिन पूरा ट्राई करेंगे कि चीकू आके इस पानी के लुफ्त उठाए। वीडियो का पूरा सेटअप हो गया, गर्मी बहुत ज्यादा है, और आज का जो प्रोडक्शन है हमारे राहुल भाई संभाल रहे। राहुल भाई गर्मी कितनी लग रही है? गर्मी बहुत है। तो यहाँ गर्मी में हमारी तो हो रही है हालत टाइट, लेकिन जो हमारे कंटेस्टेंट है वो पानी का पूरा लुफ्त उठा रहे हैं। आप देख सकते हो उन्हें फुल मजा आ रहा है पानी में। और ये जो गेम है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा गाइस, आप जरूर जाके फैमिली फिटनेस पे एक देख लेना। और इसमें ना बहुत मेहनत लग रही है, देखो इतनी धूप है, इतना पसीना आ रहा है, आंखें खुल नहीं रही है, तब भी मैं चश्मा लगा के जो है इस व्लॉग को शूट कर रही हूं। तो मेरी बेबी, मेरी छिपकली हो गई है रेडी घर पे गाइस, शावर लेके पूरा रेडी हो गई है, और बहुत ही प्यारी ड्रेस लग रही है। मेरा चिपकला, मेरा बेटा भी रेडी हो जाओ गोलू, जैसे चीकू आ जाए ना तो आज ही उसे लेके। तो गाइस जैसे हमने गेम शुरू किया ना, हमारा जो एक कैंडिडेट के सर पे हमने गोप्रो लगा रखा था, वो गोप्रो हमारा पानी के अंदर चला गया। तो ये वाला जो पूरा एक मतलब गेम चला शुरू हो गया था, उसको कैंसिल करना पड़ेगा और फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पहले पार्टिसिपेट की जो है मैंने एंकरिंग कर ली, अब मैं जा रही हूँ वापस अपना रेस्ट करने। अरमान जी आ रहे हैं पमेलियन में, और पमेलियन ये हमारा पमेलियन ही तो है। तो मैं आ चुकी हूँ अपनी हॉट सीट पे और थक गई हूँ एंकरिंग करके। तो मैंने बिठाया इसको, ये मत बोल देना कि बीमार थी, तो मैंने इसको आराम से बिठाया यहाँ पे। और यहाँ पे बैठ के ना बहुत अच्छी मुझे छाया मिल रही है, वहाँ से बोल रही थी धूप आ रही है, इन्होंने मेरी पूरी फैसिलिटी देखी और मुझे यहाँ पे चढ़ा दिया कि तू यहाँ बैठ के आराम से एंकरिंग कर और पानी पी ठंडा ठंडा। तो गाइस ये वाला जो गेम था ना, इस गेम का टाई हो चुका है 4 कपल्स के अंदर। आप देखते हो अरमान जी इसका कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट लगा लेंगे, क्योंकि देखो विनर तो चाहिए, हमें गिफ्ट लेके आए तो वो तो देना बनता है ना, इतनी मेहनत कर रहे हैं लोग। क्या हो गया? मैं इसलिए हंसी हूँ क्योंकि मैंने ना अभी बोला था, क्योंकि ना वाइल्ड कार्ड एंट्री में ना कालू भैया सूरज भैया उतरे थे, और मैंने कहा था कालू भैया जीतेंगे और कालू भैया जीत गए। तो गाइस अभी अभी ना पूजा आई हमारे पास, और पूजा मतलब यहीं आसपास रहती है, तो ना पूजा कह रही कि मुझे ना यहाँ पे पता नहीं चल रहा था कहाँ आना है कहाँ नहीं आना, तो मैंने यहाँ पे पीछे गाड़ी पार्क करी, मुझे टाइगर भैया का सर दिख गया, समझ गई समझ गया यही आना है। तो टाइगर भैया का ये भी फायदा है, देख लो
तो गाइस गोलू भी निकल चुकी है चीकू को लेके घर से, फटाक से गोलू और चीकू आ जाएं और ये वाला अपना हम जो टास्क करेंगे कंप्लीट, उसके बाद हम लोग मंदिर में मत्था टेकेंगे फिर जाएंगे घर। गाइस नेक्स्ट जो गेम है ना वो मुर्गे का है और ना मुझे मुर्गा भी सही लग रहा है, मुर्गा मुझे लगता नहीं कोई पकड़ पाएगा। तो गाइस फाइनली मैं भी आ गई हूँ यहाँ पे टास्क कम्प्लीट करने के लिए, तो मैंने सोचा काम करती, पहले वाला टास्क तो मैं कम्प्लीट नहीं कर पाई क्योंकि गोलू को ना जूते नहीं मिल रहे, गोलू मेरे जूते पहन के, हाँ मैंने पहन के जूते फिसाए हुए, मुझे पता है मैं कैसे यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। तो अभी अगर मैं टास्क करूंगी ना तो जूते उतार के करूंगी, और प्लीज गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि मैं फिट हुई हूँ कि नहीं हुई हूँ क्योंकि मैं रेगुलर जिम जा रही हूँ। तो गाइस इतनी मेहनत के बाद अभी हो गया हमारा पैकअप, पैकअप गाइस घर चलते हैं, थक गए हैं तो मत्था टेक के फिर हम लोग आशीर्वाद लेके बाबा जी का पहुँचते हैं घर अपने बच्चों के पास। ज्यादा टाइम हमने नहीं लगाया इस गेम में क्योंकि हमें पता है बच्चे घर पे हमारा वेट कर रहे हैं। तो गाइस बाहर निकले तो साईं बाबा के भी दर्शन हो गए, हम पूरी फैमिली तो नहीं थी, हम चार लोग थे, हमारे तीन बच्चे भी घर पे थे, पर तीन बच्चों को हमने ऑलरेडी साईं बाबा जी के दर्शन करा रखे हैं। तो बस अभी घर पहुंचते, बहुत तेज भूख लग रही है, घर जाते ही खाना खाऊंगी। बाहर का मतलब मैंने छोले कुलचे खाए, पर कहते हैं ना कि बाहर का कुछ भी खा लो पेट नहीं भरता, तो पेट नहीं भरा है। मान गई कि नहीं, मुर्गा पकड़ने में नहीं, वो तो नहीं, वो तो मैंने बहुत लेट पकड़ा, वो तो मैं खुद को नहीं मानी, ठीक है, मैं इस बात में मान गई कि मैंने जिद नहीं करी गाइस छोले कुलचे खाने की। हाँ ये बात तो है, बोलू ने बिल्कुल जिद नहीं करी कुलचे खाने की, मैंने भी सिर्फ एक ही खाया गाइस। और मुझे ना एक चीज की बहुत ज्यादा खुशी है गाइस, ये जो शर्ट है ना ये आज से 15-20 दिन पहले लेकर आई थी, तब मुझे शर्ट बंद नहीं हो रही, मैंने कहा था यार मैं मोटी होगी शर्ट आ नहीं रही, और 15-20 डेज के अंदर ये शर्ट मुझे आ गई है, तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है इस बात। तो सही बात है गाइस, थोड़ी सी स्लिम हो गई है लड़की। तो गाइस एकदम ना सही टास्क मैंने सही टाइम पे कम्प्लीट कर लिया, 2:30 बजे के करीब आई थी और 4:30 बज गए, 2 घंटे हो गए, बच्चे मुझे लग रहा है आराम से सो रहे होंगे, आपको पता ही है बच्चे जब नहा लेते हैं मालिश करवा लेते हैं तो आराम से सोते हैं। जब मैं घर से निकली थी ना तब 3 बजे सो रहे थे, मुझे लग रहा है गुलू एक दो दिन में हमें यहाँ पे सामान लेने भी आना पड़ेगा, राशन है ना, राशन खत्म हो रहा है। हाँ पायल सही बोल, क्योंकि हम राजमा चावल ही ज्यादा आजकल खा रहे ना, तो दालें और राजमा चावल में कमी लिमिटेड लाई थी ऊपर नीचे के लिए, 30-30 किलो लाए थे ना, खत्म हो गई। तो गाइस हम आ चुके हमारे बच्चों की पोस्ट, तो मेरा बंदर मेरे पास है जिंद्रू बाबू, मेरी जोनी कुकड़ी, मामा को मीच किया आपने, मामा को मीच किया, क्या शेर की तरह क्या दाड़ रहे हो, ऐसे करो, क्या हुआ, चलो घूमी घूमी करने चले, आपको भी लेके चलो घूमी घूमी, घूमी घूमी लेके चलो, मेरे जोना बाबू, मेरे जोनो गुगड़ू, भाई बहन कहाँ तेरे, चल भाई बहन से भी मिल लो, ओए पुट्टू, ओए बुजू। तो यहाँ पे ना चीकू का मैंने जो बैग है ना वो ले लिया है, और चीकू का ट्यूशन, चीकू का जो स्कूल का होमवर्क है ना सोचा वो करवा देती हूँ पहले, क्योंकि ऐसा ना हो ना कि उसका जो होमवर्क है वो रह जाए। और आते सबसे पहले पायल ने आते बच्चों को सुलाया, पहले जैद को सुलाया, फिर तूबा को सुलाया, फिर अयान को सुलाया, जैसे अयान को सुलाया मैंने उससे लिया, अयान उठ गया, तो अभी अयान नहीं सो रहा, बाकी दोनों बच्चे सो रहे हैं। तो मुझे ना शाम को जिम भी जाना है, तो मैंने सोचा कि काम करते ही होमवर्क का काम ना पहले हो जाएगा, इसका बैग कम ज्यादा सामान एक्स्ट्रा सामान ज्यादा रखते हैं, दिखा देती हूँ ऊपर। चीकू ने ना चिप्स का पैकेट सारा सामान ना ऐसे बिखरा हुआ लड़के का, चीकू देखो आपको सेम यही लिखना है ना जो यहाँ पे लिखा है, अभ्यास करना है, अभ्यास करना है, देखो पहले निशा है, नी पहले आ का डंडा, ई की मात्रा, ना से नल, नी शाह, शाह से शलगम वाला शाह, और ठीक है शीला, मैं तो लिखा हुआ देखो, निशा ने लिखा आपने, लिखा था वेरी गुड वेरी गुड। तो चीकू यहाँ पे कर रहा है अपना होमवर्क, और ना इसको यहाँ पे पीछे पे देखो बहुत ज्यादा चोट लग गई है ना, भाग रहा था उधर और गेट लग गया मेरे बच्चे को, मेरे बाबू को गेट लग गया, मेरी सुंदरी बेटी को, मेरा सुंदर बाबू, मेरा नुंदर बाबू, मेरा नुंदरी बेटी, मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है आज पहली बार, मम्मी से लड्डू बटवाऊंगी। तो गाइस आज ना पहली बार ऐसा हुआ है कि ना अयान अभी रो रहा था और मैंने ना इसको अपनी पोएम सुना के चुप कराया, और जो पोएम थी ना बहुत ही यूनिक पोएम थी, मैंने खुद बनाई थी, कुछ अलग ही सुना रही थी मैं इसको ऐसे करके, मेरा बेटा है पाला पाला सोना हुआ, पाला तूने मेरी पोएम सुनी थी जो सुना रही थी इसको, हैं कैसी लगी, हाँ जी पृथ्वी, हाँ जी कृष्णा, केली केली कर ले है, तो यहाँ पे तू बस हो रही है आराम से, घूम का होता है घूम, घूम का होता है। तो गाइज मैंने ना आज ना जैद के लिए मैंने जैद के लिए ना तीथर ऑर्डर करा है, क्योंकि ना पाल ने कहा था कि जो उसके क्या मसूड़े है ना फूल रहे, वो ना क्या कर रहे थे, जैसे मैं उसको अपनी तरफ लेती हूँ ना तो वो मेरे शोल्डर की तरफ है, कोई भी किसी का भी शोल्डर मिलता है ना उसमें ऐसे ना कोशिश करता है कि कुछ कपड़ा मिल जाए, खाने की कोशिश कर रहा है, तो इसके लिए मैंने करा है तीथर ऑर्डर। तो बड़ी जल्दी, वैसे तो मुझे पता नहीं कि बच्चे दांत कब निकालते हैं, चीकू ने कब निकालते हैं पहले दांत, पहले को याद नहीं है, तो आप लोग कमेंट में बताना कि कितनी जल्दी बच्चे दांत निकालते हैं, क्योंकि अभी ये
4 मंथ्स का कंप्लीट हो जाएगा 6 तारीख को। तो हमारे जैद के बाद हमारे फिर कृष्णा की टर्न हो जाएगी, कृष्णा और तूबा की, दोनों की, उनके भी ये टर्न आएगी तांत की। और ये वाला जो फेस होता है ना, बड़ा मुश्किल फेस होता है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि बच्चे ना उनका वेट भी कम हो जाता है, बच्चों की तबीयत भी थोड़ी खराब रहती है, इरिटेशन बच्चों को ना इरिटेट रहती है, मूड स्विंग्स हो जाती है, दूध नहीं पीते हैं, किसी किसी बच्चे को फीवर भी आ जाता है। तो ये फेस बहुत ही मुश्किल फेस होता है। बस ये है कि चलो बच्चे हैं तो धीरे 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 हर एक स्टेज पर हम लोग जाएंगे, बच्चों को बचा के रखेंगे जितना हो सकता है। तो गाइस अभी बज गई है रात के 8 और ना मैं सोच रही हूँ कि ना अभी थोड़ी देर बाद ना जिम जाऊँ, क्योंकि मेरे को जिम जाना है। मैं अपना जिम का जो रूटीन है वो मिस नहीं कर सकती हूँ, और जिम से आने के बाद ना टाइम से सो जाऊंगी, ताकि ना जो मेरी थकावट है ना वो थोड़ी दूर हो जाए, क्योंकि अब मैं रात को सही से सोई नहीं थी। तीनों बच्चे साथ में थे, मैं, पायल, चीकू और तीनों बच्चे, तो इस बेड पे हम सारे कल सोए थे। तो बीच बीच में बच्चे उठ ही जा रहे थे, कभी पायल उठ रही थी, कभी मैं उठ रही थी, फिर पायल चीकू के स्कूल के लिए भी उठी। तो कल रात की जो नींद है ना बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई है। तो गाइस फाइनली ना यहाँ पे बच्चों का गद्दा भी आ गया है, तो ये हमने गद्दा बनवाया था और बहुत ही सॉफ्ट गद्दा है, आपको दिखाती हूँ। नॉर्मल गद्दे ना ऐसे पूरा का पूरा ना ऐसे आप कर नहीं सकते हाथ से, देखो ये पूरा कोरा, देखो ऐसे दब रहा है पूरा। तो इससे पूरी ना अच्छी वाली कॉटन है, अच्छा वाला फैब्रिक है। तो मैं देखती हूँ बच्चों का ना, बच्चों को इस पे सुलाकर देखेंगे कैसा लगेगा। देखो बहुत ही कंफर्टेबल गद्दा है, आराम से पूरा मुड़ रहा है। इसके ऊपर ना बेडशीट बिछा दूंगी, सिंगल बेड की बेडशीट हम ले आया करेंगे, और सिंगल बेडशीट बिछा कर और बच्चों को ना फिर उस पे सुलाती हूँ। तो अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ, फिर मैं बच्चों को सुलाकर देखती हूँ। तो गाइस इतना प्यारा गद्दा लग रहा है ना, चीकू आके पक्का बोलेगा कि मम्मा मैं सोऊंगा यहाँ पर, क्योंकि चीकू पूरा फिक्स आ जाएगा। तो वो आते ही बोलेगा मम्मा मेरा सोने का मन कर रहा है। तो अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग नहीं कर रही क्योंकि पायल अभी सो रही है। तो मैं सोचा पायल जब उठ जाती है ना फिर मैं ना पायल को भी एक बार दिखाऊंगी गद्दा, फिर इसे खोलती हूँ। तो भैया अभी अभी मैंने देखा बच्चों की स्पेशल डिमांड पे एक मजेदार सा गद्दा है, बच्चों जितना सबसे पहला गद्दा देखा इतना छोटा मैंने जिंदगी में। चीकू आते बोलेगा मम्मा मैं सोऊंगा, देखो ये पूरा प्रेस हो रहा है। इसके अंदर ऊपर भी ले जा सकते हैं ना जब। हाँ ये भी अच्छा आइडिया है। हाँ ऊपर इस पे मैं सिंगल बेडशीट बिछा कर ना बच्चों को सुलाकर देखती हूँ, ऊपर ले जाएंगे ना 7 बजे सुबह। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, बाय बाय, ध्यान रखो, सेफ रहो।